गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम देखते हैं कि प्रीमियम बेसिस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया सकता है। इसके पहले सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि प्रीमियम में कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं, एट अगर एप्लीकेशन में हुआ, अगर अलॉटमेंट में हुआ, अदरवाइज कॉल में हुआ। अब उससे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है, एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ and to develop the Naxal affected backward area of Chhattisgarh, X Limited decide to set up a power plant for raising fund. The company decide to issue 750,000 equity share of which 10 each. Okay, यानी कोई कंपनी जो एक्स लिमिटेड है जो पावर प्लांट बैठाना चाह रही है और उसके लिए रेस कर रही है कैपिटल, कंपनी इशू कर रही है कितना शेयर, 750,000, जो एक शेयर की प्राइस कितने की है, 10 रुपीज की है, ठीक है, ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%, यानी जितने का शेयर था उसका 50% क्या है कंपनी का, वो प्रीमियम है। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन अप्लीकेशन, यानी टोटल का टोटल अमाउंट किसमें ले रही कंपनी, अप्लीकेशन में, अप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर वेयर रिसीव, कंपनी ने अप्लीकेशन कितना रिसीव किया है, 20 लाख शेयर, अप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड एंड द शेयर वेयर अलॉटेड टू द रिमेनिंग अप्लीकेंट्स ऑन प्रोआटा बेसिस। ओके, कंपनी ने उसमें से 50,000 शेयर को क्या कर दी, रिफंड कर दिया, और रिमेनिंग को क्या कर रही है, प्रोआटा बेसिस पे इशू कर रही है। ओके, अब क्या करते हैं, एक कंपनी के पास ऐसे जर्नल एंट्री फॉर द एवर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ओके, एंड आइडेंटिफाई टू वैल्यूज। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सी इंटिया कंपनी करती है और क्वेश्चन में बेसिक चीजें हैं क्या क्या चीज। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, एक नॉर्मल समरी ले लेते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कंपनी करती है कि 750,000 शेयर्स है, कंपनी कितने शेयर को इशू कर रही है, 750,000 शेयर को, और एक शेयर की प्राइस क्या है, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच प्लस 50% क्या है, प्रीमियम है, प्रीमियम है, यानी 10 प्लस 10 का 50%, ओके, यानी 10 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 50, एंड ऑफ। अब आते हैं देखते हैं कि कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना आया, कंपनी को करना कितना था और आया एप्लीकेशन कितना, कंपनी के पास आई टोटल नंबर ऑफ शेयर के जो एप्लीकेशन आया वो कितना था, 20 लाख, लेकिन कंपनी को करना कितना था, 750,000 शेयर। ओके, अब कंपनी कह रही है कि 50,000 शेयर को कंपनी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी 50,000 शेयर की थी कंपनी ने उसको क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, यानी इस पे कोई शेयर अलॉट नहीं किया। अब कंपनी के पास रिमेनिंग बचा कितना है, 20 लाख में से 50,000 को तो रिजेक्ट कर दी, कंपनी के पास बचा कितना, 19,50,000 शेयर्स। ओके, और कंपनी को करना कितना है, 750,000 शेयर। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें कंपनियां जनरल एंट्री क्या करती है। फर्स्ट एंट्री जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, क्योंकि कंपनी को पैसा रिसीव हो रहा है और किसके थ्रू, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में जब पैसा आ रहा है तो किस चीज का आ रहा है, तो फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक, अब कंपनी के पास आया कितना शेयर था, 20 लाख, और एक शेयर की प्राइस कितने की है, क्योंकि कंपनी होल अमाउंट एक साथ ले रही है, इसलिए क्या यूज किया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, अब यहां पे कंपनी के पास कितने शेयर आए, 20 लाख, तो 20 लाख इंटू कितने रुपीज का है, 15 रुपीज का, 10 रुपीज शेयर की है और 5 रुपए
प्रीमियम का है ओके तो कंपनी के पास जो टोटल अमाउंट आ रही है वो अमाउंट कितनी आ रही है टोटल 3 करोड़ रुपीस कंपनी के पास एप्लीकेशन की जो अमाउंट आई वो किसके साथ आ गई 3 करोड़ रुपीस तो अब कंपनी जनरेशन क्या लिखा है बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव ओके अब कंपनी ने इस एप्लीकेशन की मनी तो रिसीव कर ली है अब कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी उसमें से 50,000 को रिफंड कर रही है और रिमेनिंग को प्रोराटा बेसिस पे अगर कंपनी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करती तो उसका एडजस्ट होता लेकिन यहां की कंडीशन में कंपनी केवल जितना यूज करने के बाद जितने का पूरा क्या करेगी कंपनी उसको रिफंड करेगी ओके तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू अब कंपनी क्या कर रही है प्रीमियम पे इशू कर रही है इसलिए क्या हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ओके अब कंपनी क्या कर रही है कि जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको कंपनी क्या कर सकती है रिफंड तो रिफंड कभी भी करेगी क्योंकि कंपनी रिसीव किया था बैंक थ्रू तो रिफंड किससे करेगी बैंक से टू बैंक अब देखिए यहां पर जो अमाउंट लिखा जाएगा जितने से यहां पर क्रेडिट था यहां पर भी उतने से डेबिट किया 3 करोड़ अब देखो कंपनी कैपिटल उतना ट्रांसफर कर सकती जितना शेयर का कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी शेयर इशू कितना कर रही थी कंपनी ने इशू किया है 7,50,000 और उसकी फेस वैल्यू कितने रुपीस की है 10 रुपीस की यानी यहां पे कितने से आएगा यहां देखा जाए तो यहां पे 7,50,000 इंटू 10 यानी यहां पे कितना आ गया 75 लाख ओके अब देखो प्रीमियम कितने का है यहां पे तो प्रीमियम कितने का है तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ट्रांसफर कर सकती है कंपनी 7,50,000 इंटू 5 प्रीमियम कितने की यहां पे उन्होंने बात किया था यहां निकाला था कितने का 5 रुपीज का तो कंपनी कितना ट्रांसफर कर सकती है यहां पे 37,50,000 ओके अब जितने भी कंपनी ने 7,50,000 का तो यूज कर दिया अब कंपनी पर जितना भी रिमेनिंग है कंपनी यहां बता रही है 50,000 को रिफंड कर रही है और यहां पे भी रिमेनिंग है तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां पे क्योंकि कंपनी एप्लीकेशन से ट्रांसफर नहीं कर सकती तो जितना भी रिमेनिंग बचा वो क्या करेगी कंपनी रिफंड करेगी यानी रिमेनिंग कितने बचे कंपनी के पास 20 लाख माइनस 7,50,000 किया तो कितना बचा वहां पे 12,50,000 यानी बैंक में 12,50,000 इंटू कितने रुपीज से कंपनी को मिला था 15 रुपीज से कंपनी को मिला कितने रुपीज से था 15 से तो इंटू 15 तो कितना आ गया 1,87,50,000 यानी 1,87,50,000 सॉरी ओके अब कंपनी के यहां पे क्या बीइंग से अलॉटेड एंड एक्सेस मनी रिफंड बीइंग shares allotted and allot किया और क्या की कंपनी एक्सेस जो मनी थी उसको क्या करिए रिफंड करी एंड एक्सेस मनी रिफंड ओके ये थे ये अब कंपनी की तो जनरेटी अपने यहां पे कर दी और यहां पे और भी कहा गया है कि इसके टू वैल्यूज बताने के लिए अब टू वैल्यूज में क्या क्या हो सकते हैं कि क्योंकि कंपनी ने किस एरिया में कर रही है
नक्सल अफेक्टेड एरिया में कर रही है, प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयमेंट, तो इसका पहला क्या हो गया, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी किसको दे रही है, यूथ को दे रही है फर्स्ट। सेकंड क्या हो सकता है, डेवलपमेंट कर रही है, कहाँ पे कर रही है कंपनी ने रेस, कहाँ पे कर रही है शेयर, कहाँ पे पावर प्लांट बैठा रही है, किस जगह पे बैठा रही है कंपनी, बैकवर्ड एरिया में, तो क्या हो गया उसका सेकंड वैल्यू हो गई डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। ओके, अब डेवलप कर रही है एम्प्लॉयमेंट दे रही है और किसको दे रही है एम्प्लॉयमेंट, यूथ को। तो थर्ड हो गया किसके लिए, हेल्पिंग द यंग पीपुल टू अंडरटेकिंग द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यानी उनको यूथ पीपुल को कर रही है किसमें डेवलप करने कर रही है, किसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। और थर्ड क्या हो गया, किस सोसाइटी के लिए कर रही है, जहां पे बैकवर्ड एरिया है तो प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, यानी पीसफुल सोसाइटी डेवलप कर रही है। ये थे हमारे क्वेश्चन के बेसिस पे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है एंड उसके बेसिस पे वैल्यूज। और आगे और भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और टॉपिक को लेके आएंगे। आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपके डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन भी हाईलाइट होंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर भी। ओके, थैंक यू।